Hello, I'm Joanna and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who dished whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. Jima Awards ke red carpet par Shahid Kapoor ka fun side, stars ka reaction on censor board's list aur dhero singers ki quick performances dikhayenge News Now mein. Shah Rukh Khan ne MTV ke show India Poochega sabse Shana Khan ke promotional event par khud ko kaise sabit kiya India ka sabse बड़ा शाना, बताएंगे इन फोकस में। शाहिद कपूर ने थ्रो की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लो की बर्थडे पार्टी। सोनम कपूर ने फेमिना अवार्ड्स के अनाउंसमेंट पर रखी वुमेन सेफ्टी और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर अपनी बेबाक राय। कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ढेर सारे सिंगर्स और साथ ही कुछ फनी मोमेंट्स भी। अबे भूल गए क्या? अरे कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? हमारी तो शादी हो गई। हम हैं भोजपुर के सुपरस्टार। जी हाँ, ये गाना बजाना तो सब हमारे खून में है। अच्छा। अरे हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हमने अपना खून ब्लड टेस्ट के लिए दिया था। अच्छा। रिपोर्ट में गाना लिख के आ गया। इतना खून में घुसा हुआ है, इसीलिए तो लड़कियाँ हम पर मरती हैं। वेल, ये सभी आए थे द रिसेंटली हेल्ड जीमा म्यूजिक अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर, जो कि इन सभी की मौजूदगी में काफी स्टारी बन गया। Coming to the media interactions, इस रेड कार्पेट पर सबसे ज्यादा चर्चा रही फिल्मों में कस वर्ड्स के इस्तेमाल पर आई सेंसर बोर्ड की रीसेंट लिस्ट को लेकर, जिस पर इन सभी ने अपने अपने ओपिनियंस कुछ इस तरह शेयर किए। Films need to be certified. They cannot be censored. See, how can you stop people from telling a story the way that they need to? So if a character is abusive, they need to be abusive in the story. So it's just, I don't even want to comment on it because it's just so ridiculous. I think for all filmmakers and artists, it felt slightly very, very strong. I hope that these kind of words don't get banned. I think certification is very important, and I think making sure that content is clean is important. But banning random words like that without knowing the context of them, I mean, very soon we won't be able to show any negative characters in films whatsoever. I mean, films have to be a representation of real life. So you can't have such cut and dry rules. I hope that some kind of balance is found. I think some words they can be lenient on, but it's their decision, so I think we'll have to abide with that. मुझे लगता है कि फिल्म के हिसाब से होना चाहिए, और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें वो शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया जाए और स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट रहे, तो कोई मुझे लगता नहीं है कि, और वो जो जब सर्टिफिकेट मिलता है ये सर्टिफिकेट, तो थिएटर वालों को भी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और इसी बीच अनिल कपूर से हमने AIB रोस्ट के दौरान उनका मजाक उड़ाए जाने पर भी उनका रिएक्शन पूछ लिया। मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जितना आपका मजाक उड़ाए आप उतने पॉपुलर। चलिए, दैट इज क्वाइट स्पोर्टी ऑफ अनिल। वैसे स्पोर्टी और फन मूड में तो यहाँ बर्थडे बॉय शाहिद कपूर भी थे। आप सबके स्पोक्स पर्सन क्यों है, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, आप सबको पैसे देते हैं कि सिर्फ आप सवाल पूछेंगे? आज मुझे दूसरों से बातें करना। और शायद इसी अच्छे मूड के चलते शाहिद ने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ ही घंटों में आने वाले जी, घी के दिए जलाने से क्या होता है? बर्थडे आ रही है, दिवाली थोड़ी हो रही है। जन्मदिन का स्वागत हमारे भारतीय परंपरा में इसी तरह से किया जाता है। सर, मेरे लिए आज तक किसी ने बर्थडे पे घी का दिया नहीं जलाया जी। परंपरा आपने जो शुरू की है, तो अब मुझे जाके घर पे बताना पड़ेगा। गृह प्रवेश करूंगा सुन, घर अभी भी तैयार हो रहा है। नया मेहमान आया जी, जी जी मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था, बिकॉज लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डॉग काइज़र, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ था नहीं व्हेन आई लॉस्ट हिम, सो एंड देन आई गॉट अनदर पपी एंड आई लॉस्ट हिम इन 4 डेज ऑफ गेटिंग हिम लास्ट ईयर। सो आई एम अ वेरी बिग डॉग लवर एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड
कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सो लास्ट ईयर वाज स्लाइटली स्कैरी एज फार एज पेट्स आर कंसर्न. तो फाइनली आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू पपी और मैं अब तक उसका नाम सोच रहा हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट गॉटन यस्टरडे. कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरा फ़ोन, मेरा परफ्यूम, मेरा लिप बाम बिकॉज आई गेट वेरी ड्राई लिप्स और या आई गेस. हाँ जी आप वही लगाते हैं क्या? इतनी खुशी से जो आप पूछ रहे हैं, आप कौन सा लिप बाम लगाते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कभी जवाब दो. आप आम आदमी हैं, आपको आम आदमी की पावर नहीं मालूम आजकल. शायद आप दिल्ली में नहीं है इसलिए. मैंने कहा था कि किसी और को सवाल पूछने दे यार. इसको बांध के क्यों नहीं रखते तुम लोग यार? Have you allowed him like this? मैं भी इतना अगर ऐसा करूं तो मेरे को भी कोई बांध देगा. And coming to the ladies, Shraddha Kapoor ने अपनी excitement share की best debut singer के अपने nomination पर. मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं best music debut में nominate हुई हूँ. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक recognition है कि जो आपका एक और सपना है acting के अलावा वो भी मेरा recognize हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ. यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, और परफॉर्म भी कर रही हूँ उससे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ. वहीं अपनी अपकमिंग फिल्मों से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी शेयर की श्रद्धा ने. मेरा ABCD2 का टैटू है, मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि अभी मैं बस शूट से यहाँ पे आई हूँ तो टैटू निकालने का वक्त मुझे नहीं मिला. पर यह है क्रॉस क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है विनी वो एक क्रिश्चियन है फिल्म में. ABCD2 के बाद मेरी अगली फिल्म है रॉक ऑन. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अपने गाने गाने वाली हूँ और मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ. एंड लास्टली बात करें यहाँ मौजूद सिंगर्स की तो कुछ इस तरह इन सिंगर्स ने बनाया जीमा म्यूजिक अवार्ड्स नाइट के इस रेड कार्पेट को म्यूजिकल. आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी. आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तू नहीं है बात न मानी. ओ हो ओ हो. और फिर हम लंदन को ठुमकाएंगे जो हम दोनों ने गाया है. लट्ठे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया, आवो सामने तेरा की साइज है दस माहिया, मल मल दा कुर्ता दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया, तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया. ठुमकदा लंदन ठुमकदा कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ. तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया. मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगना जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा. तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा की. गगगगगा गणपति बप्पा मोरिया, let me hear you say बप्पा मोरिया. आया देखो आया बप्पा मोरिया. जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा है मुझे तेरे बार से. जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा है मुझे तेरे बार से. सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो, गम को भुला दो सारे संसार के. छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अन्नार कली जी माँ चले. मन जावे कलरफुल होली खिला दे, मन जावे कलरफुल होली मनावे, रिक्वेस्टा पाइया वे, चिट्टिया कलाइया वे, ओ बेड़िया दी चिट्टिया कलाइया वे. होली है होली विच पाइया वे, ओ मैना होलिया कलाइया वे. हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली. We'll be right back.
गए हैं इंडिया के सबसे बड़े शाने यानी शाहरुख खान। इंडिया के सबसे बड़े शाने शाहरुख क्यों हैं? ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले बता दें यहाँ शाहरुख के आने का मकसद। और जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं या जो लोग यहाँ पर आके इस गेम शो के अंदर भाग लेंगे वो भी कॉमन मैन या कॉमन विमन लॉर्ड तबके के लोग। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, इजरायली फॉर्मेट है जो पहली बार दुनिया में कहीं पर पूरा बनाया गया है, उसको अडैप्ट किया गया है। दरअसल शाहरुख आए जी नेटवर्क के नए टीवी चैनल एंड टीवी पर शुरू होने जा रहे आम आदमी के गेम शो सबसे शाना के प्रमोशन के लिए, जहां उन्होंने पहले तो इंट्रोड्यूस कराया इंडिया वाले एक्सप्रेस को। पहली चीज मैं इस शो के आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा, जहां पर हमने सारे सवालियों को एक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर डाला हुआ है और उस ट्रेन को हम बोलते हैं इंडिया वाले एक्सप्रेस। सो हियर इज इंट्रोड्यूसिंग इंडिया वाले एक्सप्रेस। और फिर कंटेस्टेंट को उनकी शक्ल देखकर, बैकग्राउंड देखकर, उनका हाव भाव देखकर, कपड़े देखकर अंदाजा लगाना है कि यह उनके प्रोफेशन या उनके कोई चीज से रिलेटेड है, इसलिए कि उनको सवाल का जवाब आ जाए और वो खुद कोई भी सवाल या चूज कर सकते हैं। और फिर दिया शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु और एक कंटेस्टेंट के साथ इस गेम शो का डेमो। रेडी स्टडी गो, गेम शुरू हो जाए। तो विजय शाह जो है इस टीम से अपना सवाल पूछेंगे। विजय शाह अपना सवाल बताइए। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? आपके दो ऑप्शंस हैं एंड द टू ऑप्शंस का ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन व्हिच स्पोर्ट, किस ओलंपिक खेल में वो गोल्ड मेडल जीता था? शूटिंग। ए शूटिंग, बी आर्चरी। डेफिनेटली शूटिंग। तो दंड दबाना पड़ता है और कहना पड़ता है शूटिंग, तो शूटिंग को डन कर दीजिए प्लीज। तो कैन वी हैव द राइट आंसर, और आंसर भी खुद सवाल ही देते हैं। विजेशा आपको सही जवाब बताइए। एंड दैट्स व्हेन आपकी आपका शानापन निकल कर आता है और आप शाने बन जाते हैं। और फिर मीडिया बाइट में शुरू हो गया शाहरुख की शान पट्टी का सिलसिला, क्योंकि शाहरुख ने यहाँ मीडिया के सवालों के जवाब जिस शान पट्टी से दिए उसे देखकर हर कोई कहेगा कि इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े शाने हैं शाहरुख खान। सवाल ही शानों का है भाई। सवाल आया टीवी पर शाहरुख के पिछले खराब रिकॉर्ड को लेकर, जिसे शाहरुख ने कुछ ऐसे संभाला। But personally, I don't think I've been able to create ऐसा कोई मैं खुद टेलीविजन से हूँ और मैंने आई थिंक जब टेलीविजन शुरुआत की थी तो मैंने बहुत अच्छा काम किया था, फिर मैं फिल्मों में आ गया, फिल्मों में भी ठीक ठाक काम किया, तो आई थिंक मैं उन टेलीविजन आर्टिस्ट में से हूँ जो टीवी पे जाकर वो काम करना चाहते हैं जो वो पहले कर चुके हैं। उतना अच्छा मैंने आज तक शायद किया नहीं है अभी तक, और कोशिश यही है। अब नर्वसनेस नहीं है, इतनी बारी फेल होने के बाद नर्वसनेस नहीं रहती। होपफुली पीपल विल लाइक समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जो टीम है इसके अंदर वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है। और जिसमें उनकी मदद की प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु ने भी। I think of the three shows we've done with Shahrukh, so far you'll see the program from May 2nd and I've said this to other people. This is the best that he's done of these three shows and I think audiences will really have something to look forward to because it's a great fit with Shahrukh as he said himself. फिर इंडस्ट्री में सबसे शाना कौन के सवाल पर भी शाहरुख ने दिखा दी अपनी शान पट्टी। इंडस्ट्री में सबसे शाना कौन, हमारा जो शाना है मैंने जैसे बताया वो शान के बारे में, वो थोड़ा सा डाउन हो, अप हो, खुश हो, दुखी हो, लोगों को खुश कराते रहो,
सो आई फाइंड माई सेल्फ क्वाइट शाना एज फार एज दैट इज कंसर्न. मैं ज़्यादा शाने लोगों से मिलता ही नहीं यार, मेरे को तो सब भोले वाले स्वीट ही लोग हैं मेरे साथ जो काम करते हैं. सो आई डोंट नो इन द इंडस्ट्री हु इज द मोस्ट शाना. और शाहरुख की शानपट्टी की हद तो तब हो गई जब फिल्मों में कस वर्ड्स यूज ना करने के सेंसर बोर्ड के फरमान पर शाहरुख ने उल्टा सेंसर बोर्ड को दे डाली एक एडवाइस. आई डोंट नो व्हाई वन शुड हैव अ फाइनलाइज्ड लिस्ट, बट यस, दोस आर गाइडलाइंस. आई थिंक दे वर ऑलवेज देयर. If I'm not mistaken, more or less those guidelines that have suddenly come out into the television and everybody's talking about it, they were always there to kind of, but I've never gone for a censor board meeting where they take out this piece of paper and do this. It's just a guideline. And then this discussion will continue for years, years, years all around. But I think they can make a lot more categories in censorship, not just you, UA and you. Perhaps they should increase a lot more ratings and then try and put films into that, you know, parental guidance, no, non-parental guidance, strictly for adults. I think that perhaps might help. हाँ, बिग बॉस और दूसरे टीवी शोज होस्ट करने के सवाल पर उन्होंने एक स्ट्रेट जवाब जरूर दे दिया. The shows that I do, I like asking questions and stuff. Yeah. I enjoy that at home with my kids. I've said that hundreds of times. Yeah. And I enjoy that format more than the other formats. But having said that, I've not been offered those shows either. So I don't know. I mean, you know, I've never been offered a Big Boss or XYZ. I think they're all wonderful. So I think Salman hosts is wonderful. I've not seen the Farah versions. I think they are fantastic too. And Satyamev Jayate I've seen. I think they're all brilliant. And but I've never been offered a show like that. So if I am and if I feel fit, I can do it. Once the team explains it to me. Maybe I would. Well, अब शाहरुख के इन जवाबों से आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हैं वो इंडिया के सबसे शाने स्टार. खैर, अब देखना ये है कि शाहरुख की ये शान पट्टी उनके इस शो को कितनी कामयाबी दिलाती है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. फेब को यानी आज है शाहिद कपूर का बर्थडे और ये है उनकी स्पेशल मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन. Yeah, just a few friends and we had a nice time. Thank you. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. जी हाँ, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए शाहिद ने रखी एक लो की पार्टी फॉर हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट इंक्लूडेड शाहिद्स यंगर ब्रदर ईशान, डायरेक्टर अभिषेक चौबे एंड डिजाइनर्स मसाबा गुप्ता एंड कुणाल रावल. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. और लो की होते हुए भी कितना रॉकिंग रहा ये बैश, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम शाहिद्स यंगर ब्रदर जिन्होंने इस पार्टी से ली एक अर्ली एग्जिट. कितनी पार्टी मजेदार रही अंदर? बहुत ही मजेदार थी, बहुत ही अच्छा वक्त भी था. ओके, क्या गिफ्ट दिया भाई? Well, तो ये रहा शाहिद कपूर का एक लो की बर्थडे बैश. Here's wishing him a very happy birthday. Women are not safe anywhere in the world. Trust me. Women's safety पर ये है सोनम की राय. I mean, there are more cases in India, I guess, especially in the north. बॉलीवुड में मेल डोमिनेंस जैसे टॉपिक पर भी दिया सोनम ने एक हार्ड हिटिंग ओपिनियन. I know a lot of male actors who don't earn as much as I do. It's similar. It's a fact. Yeah. और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर सोनम दे रही है एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट. फिनिश योर एजुकेशन, आई रिग्रेट इट एंड यू विल रिग्रेट इट 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स डाउन द लाइन. वेल, ये है एक अपकमिंग वुमेन्स अवार्ड फंक्शन का अनाउंसमेंट इवेंट जिससे सोनम कई सालों से जुड़ी है. हवा से जुड़, अदा से उड़, फुर 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 तू है हीरो बन्ना रे, मजाक कली मजाक कली. Every year we're trying to award women who are, you know, exemplary in their field. They're doing something for society, for culture, for Indian society, for Indian culture, and trying to be women who are just
extraordinary. और यहाँ सोनम ने वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कई अलग अलग इश्यूज पर अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए. सो लेट्स हियर हर आउट. बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई अधूरी करके फिर वो इधर उधर लग जाते हैं अपने काम में. तो आपके हिसाब से एक स्टडी कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है और उससे आगे उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मेरी सबसे बड़ी ये रिग्रेट है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की नहीं. और इस साल आई एम गोइंग टू फिनिश माई ग्रेजुएशन दिस ईयर. आई एम going to fill in the forms and I'm going to get my undergraduate degree in literature, etc., etc. And it's, for me, it's one of those things that I regret the most, because the people who I meet who are educated, way more educated, I might be more well-read than they are, but they're way more educated than I am, and for me that's always a deterrent. My advice is to all the young people out there, finish your education. I regret it and you will regret it 10 years, 15 years, 20 years down the line. Women are not safe anywhere in the world. Trust me. I'm constantly on Facebook and constantly in the news and stuff like that. You see women being raped, murdered, everywhere in the world. And yeah, we are, I mean, there are more cases in India, I guess, especially in the north. But we need to kind of defend ourselves. We need to, again, it comes down to education and awareness. Well, to ye rahi the always straightforward Sonam at the announcement of an upcoming women's award. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.